बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपना फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, राइट। हम तकरीबन चार उसकी इवेल्युएशन की टाइप्स पढ़ चुके हैं, इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स की। नंबर वन हमने क्या पढ़ी थी, पहले तो हम देख लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ ड्रग क्या होती है दोबारा से, ठीक है। इवेल्यूएशन ऑफ ड्रग होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ड्रग, एक ड्रग की शनाख्त एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी, फिर उसकी जो खासियत है और उसकी जो प्योरिटी है, बिल्कुल खालिस्तन होना किसी भी चीज का, उसकी डिटर्मिनेशन को, उसको चेक करने को इवेल्युएशन बोलते हैं, किसी भी चीज को। तो ड्रग होगी तो ड्रग की शिनाख्त और उसकी क्वालिटी और प्योरिटी देखेंगे, उसको इवेल्युएशन बोलेंगे। वो पांच तरीके से होती है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। नंबर वन इज ऑर्गेनोलैप्टिक। ऑर्गेनोलैप्टिक का मतलब क्या होता है, उसके ऑर्गन्स के थ्रू उसको चेक करना। ऑर्गन्स हमारे जैसे इंसान के पांच सेंसेस होती है, टेस्ट, स्मेल, टच, ठीक है, हेयर, इस तरह से इसी उनको भी, ड्रग्स को भी एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, उनके शेप से, कलर से, साइज से, फ्रैक्चर से, फ्रैक्चर होता है एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, उनके टूटने की आवाज कैसे आती है, वो हर एक की डिफरेंट होती है। तो इन सारी चीजों की इवेल्युएशन को ऑर्गेनोलैप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन कहते हैं। फिर आ जाता है केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल हमने पढ़ा था, केमिकल में हम डिफरेंट केमिकल टेस्ट करते हैं और डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट्स देखते हैं, उसको फिर इवेल्युएट करते हैं, जैसे कि एसिड वैल्यू थी, किसी में एसिड की वैल्यू कितनी है, और फिर सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू कितनी है किसी में, और एस्टर वैल्यू, कितने एस्टर बने हुए हैं, आयोडीन नंबर देखते हैं, अनसेचुरेशन देखते हैं उसमें, आयोडीन के कितने जो नंबर है वो एब्जॉर्ब हो गए हैं किसी भी फैट में या ऑयल में, तो उससे पता लग जाता है इसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं। ऐश वैल्यू देखते हैं कि इंसिनरेशन के बाद किसी भी वेस्ट मटेरियल को आपने जलाया है और उसको जलाने के बाद जो रेजिड्यू बच गया है उसमें कितना कंटेंट बचा है, उसको ऐश वैल्यू कहते हैं, राख को बोलते हैं ऐश, ठीक है। ट्रिट्रीमेट्रिक ऐसे देखते हैं। दिस वॉज केमिकल इवेल्युएशन। देन फिर हमने फिजिकल इवेल्युएशन पढ़ा था। फिजिकल इवेल्युएशन में हम फिजिकल जितनी भी चीजें आ जाती हैं, जैसे किसी की सोल्युबिलिटी आ गई, विस्कोसिटी आ गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, कंजीलिंग पॉइंट्स आ गए वोलेटाइल ऑयल्स के, और फिर इसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी फिजिकल इवेल्युएशन की, वो मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और क्रोमेटोग्राफी, अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी क्रोमेटोग्राफी, उसकी डिफरेंट टाइप्स थी, ठीक है, एचपीएलसी थी और गैस, लिक्विड, पेपर, कॉलम, थिन लेयर। उसमें ये होता है कि जो आपका डिजायर्ड, आपका रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट होता है ना, वो अलग हो जाता है, बाकी अगर उसमें इम्प्योरिटीज हैं, जो चीजें आपके काम की नहीं है, वो अलग हो जाती हैं उससे, ठीक है। तो दैट वाज द केमिकल इवेल्युएशन। ये यहाँ पे आपको फिजिकल इवेल्युएशन, सॉरी, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नजर आ रही है। इसमें जो आपका रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट होगा ना, वो अलग हो जाएगा उनसे, जो इम्प्योरिटीज इसमें एडेड हैं, जो आपकी जरूरत की नहीं है, जो अडल्टरेशन से इनमें डाली गई है, ठीक है। तो प्योर आपको जो है कंपाउंड मिल जाएगा, कोई सॉल्वेंट ऐसा डालते हैं जिसकी वजह से वो ये सारी सेपरेशन हो जाती है, वो नेक्स्ट टेक्निक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी ऐसी है, कॉलम्स बन जाते हैं, इसमें स्पॉट्स बन जाते हैं, हर एक चीज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर ड्रग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, कोई ड्रग इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट होती होगी, कोई थिन लेयर से होती होगी, दैट्स वाई हर एक चीज के तरीकाकार होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। देन वी स्टडी द बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, कोई आइसोलेट कर लेते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाए, वायरसेस, उन पे फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ड्रग्स का। अगर तो वो मर मुर जाते हैं तो उससे पता लग जाएगा, अच्छा जी, इसकी एंटीबायोटिक एक्टिविटी थी या एंटीसाइडल एक्टिविटी थी, इसने मार दिया, ठीक है। अगर वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो ड्रग जी आप कहेंगे जाया हो गई है, कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। इस तरह से बायोलॉजिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल एसे करते हैं हम भी, इस तरह पेट्री डिशेस बनाई जाती हैं। बायोसेज आर डन बाय डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अननोन पोटेंसी, और फिर उन पे क्या होता है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डेफिनेट इफेक्ट ऑन एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी जाती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस में आ जाता है टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, आपका प्रेशर क्या है हवा का रूम में, या आपके जो ऑपरेटर्स हैं, मशीन्स हैं जिनमें आपने एक्सपेरिमेंट्स जिनके थ्रू करने हैं, उनकी क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आप ह्यूमिडिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, जो आप सोल्यूशन यूज करें, इस हर चीज़ को आप चेक करते हैं। ठीक है, फिर उनके अंडर उन कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म पे। एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, बैक्टीरिया होते हैं सलमोनीला टाइफी और स्टेफलोकोकस ऑरियस होते हैं, ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं, कि आगे डिफरेंट स्पीशीज भी हैं। इनको एंटीसेप्टिक वैल्यू ऑफ ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको चेक करने के लिए। फिर जिंदा कोई बैक्टीरिया हो, यीस्ट हो, मोल्ड्स हो, फंजाई वगैरह, इनको भी विटामिन इफेक्ट देखने के लिए और एक्टिविटी ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर माउस पढ़ा था हमने, रेबीज वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे बायोसे के, कि जो एक्यूरेसी है ना क्वांटिटेटिव, वो बहुत कम है बायोसे में देन केमिकल एनालिसिस। टेक्निक्स और रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स के थ्रू, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आते, और एक्सपेरिमेंटल जो एनिमल है उस पे इफेक्ट डिफरेंट होगा अगर आप अपने पेशेंट्स पे ऑब्जर्व करो उसी एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि हर एक एनिमल की हर पेशेंट से फिजियोलॉजी और एनाटमी सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट हो सकती है। तो दैट्स वाई बायो असे जो है वो कम एक्यूरेसी वाला एक्सपेरिमेंट है, आपके रिजल्ट्स इतने कोई 100% ये टेस्ट नहीं देता, केमिकल एनालिसिस ज्यादा अच्छा टेस्ट है। फिर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज माइक्रोस्कोपिक और एनाटॉमिक इवेल्युएशन। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक से क्या पता लग रहा है हमें? माइक्रोस्कोपिक से हमें ये पता लग रहा है कि माइक्रोस्कोप का यूज हो रहा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप का यूज करने जा रहे हैं हम। कुछ चीजें हम अपनी आंख से नॉर्मली नहीं देख सकते, ठीक है, तो उनके लिए हम फिर माइक्रोस्कोपिक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, उनसे हम किसी भी चीज़ की डेप्थ तक जा सकते हैं, उसकी एनाटॉमी देख सकते हैं। एनाटॉमी क्या होती है? हम सबको पता है एनाटॉमी होती है बॉडी का स्ट्रक्चर देखना, ठीक है, लेयरिंग कैसे हुई भी है। फर्ज करें आपने किसी पत्ते को देखना है माइक्रोस्कोप में, उसको काट के अंदर से, तो उसको देखेंगे उसमें विनेशन कैसे है। विनेशन मीन्स उसके अंदर जो वेन्स जा रही होती हैं, ठीक है, और वो किस तरह से जा रही हैं, क्या पैटर्न है उनका, मार्किंग कैसे हुई हुई है, उसके सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें एनाटॉमिक इवेल्युएशन या माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में आती हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, आप क्या कहता है ये। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्योर पाउडर ड्रग। माइक्रोस्कोप हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक प्योर खालिस पाउडर ड्रग होगा, पाउडर मतलब उसको पाउडर की फॉर्म में आपने उसको ग्राइंड किया हुआ होगा, उसकी शनाख्त के लिए माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे जर्रा तो हमें नजर नहीं आ सकते ना, कि उसमें हमने एवेल्युएट करना है उसकी पोटेंसी क्या है, उसके अंदर जो है क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का किस तरह से अरेंजमेंट हुई हुई है एंड ऑल दैट। इन दिस मेथड स्पेसिफिक फीचर्स आर काउंटेड। अब इस मेथड में स्पेसिफिक कुछ खास किस्म के फीचर्स होते हैं वो आपने देखने होते हैं, और फिर उनको स्टैंडर्ड सैंपल आपने कुछ रखे होते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है दूसरे को, कि अच्छा ये स्टैंडर्ड पे पूरा उतर रहा है, जैसे पीरियोडिक टेबल में था, जब सबसे पहले बना था तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 था, उसको स्टैंडर्ड रखा गया था, इसके अकॉर्डिंग इससे ऊपर या इससे नीचे को आपने ये स्टैंडर्ड है, बाकियों को इस तरह से जज करना है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं, हर फीचर तो नहीं देखना, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उनको कंपेयर किया जाता है, उनको काउंट किया जाता है, उसके थ्रू आप माइक्रोस्कोपिक या एनाटॉमिक इवेल्युएशन करते हो किसी भी ड्रग की, जी इसमें ये चीज है ना तो ये काफी है हमें और ये अच्छी रहेगी, इस तरह। नेक्स्ट, यूजिंग माइक्रोस्कोप डिटेक्टिंग वेरियस सेलुलर टिश्यूज, ट्राइकोम्स, स्टोमेटा, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एंड एलिरोन ग्रेन्स आर सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्टेन क्रूड ड्रग्स। अब आप कौन कौन से सेलुलर टिश्यूज देखने हैं जी? ट्राइकोम्स होंगे, स्टोमेटा होंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ये सारे क्रूड ड्रग्स में या लीव्स में या उनके किसी भी पार्ट में, सेलुलर टिश्यूज में ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। स्टोमेटा, स्टार्च ग्रेन्यूल, स्टार्च के ग्रेन्यूल, स्टार्च के अदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके, शुगर के फूड है बेसिकली एक, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, ऑक्सलेट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है, एंड एल्यूरोन ग्रेन्स आर सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हैं जिनको चेक किया जाता है, काउंट किया जाता है, इनके अपने फॉर्मूलाज हैं, उनके थ्रू हम फिर माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन करते हैं, अच्छा जी ये चीज इसमें इवेल्युएट की जाती है।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स इसकी क्या आ जाएंगी. अब हम माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में करते क्या क्या हैं. नंबर वन इज स्टोमेटल नंबर. हम क्या देखते हैं, हम स्टोमेटल नंबर देखते हैं. फिर हम देखते हैं लीफ की मैयरमेंट्स, लीफ को मैयर कैसे किया जाता है. ठीक है, देन वी स्टडी पैलिसेड रेशो. पैलिसेड रेशो देखते हैं. पैलिसेड क्या होते हैं, पैलिसेड सेल्स होते हैं एक पत्ते में. ठीक है, वो आगे जाके हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में. फिर हम देखते हैं स्टोमेटल इंडेक्स. स्टोमेटल नंबर हमने ऊपर पढ़ा है कि स्टोमेटा को हम काउंट करते हैं फिर उसका इंडेक्स निकालते हैं, वो भी पढ़ेंगे. वेन आइलेट नंबर देखते हैं. वेनलेट टर्मिनेशन नंबर देखते हैं. वेन क्या होती हैं, जैसे हमारी वेन्स होती हैं इसी तरह पत्तों में भी वो बारीक बारीक सी लाइनें आपको नजर आती होंगी, दैट आर नोन एज वेन्स. ठीक है, वेनेशन हुई हुई है उसको बोलते हैं. वेन आइलेट नंबर एंड वेनलेट टर्मिनेशन. टर्मिनेशन होता है कहीं पे भी खत्म हो रही है जहां पे वेनलेट, ठीक है, बड़ी वाली वेनलेट जहां पे खत्म हो रही है और दूसरी शुरू हो रही है, दैट इज टर्मिनेशन नंबर. ठीक है, कहां कहां पे ऐसी चीजें हो रही हैं. अच्छा जी, आइलेट किसको बोलते हैं. आइलेट्स बोलते हैं एक एनाटॉमी में किसी टिश्यू के ऐसे पोर्शन को जो दूसरे उसके इर्द गिर्द के पोर्शन है ना उनसे डिफरेंट हो. ठीक है, तो वेन आइलेट नंबर हम इसलिए काउंट करते हैं उस पत्ते को या उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए. नंबर वन इज स्टोमेटल नंबर. व्हाट इज स्टोमेटल नंबर. स्टोमेटा क्या होता है. स्टोमेटा बेसिकली पोर्स होते हैं किसी भी पत्ते में फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रिस्पायरेशन भी हो रही होती है लीव्स में. ठीक है, तो सांस लेने के लिए तो लीव्स को भी जरूरत है. बॉटनी में एक टर्म यूज होती है स्टोमेटा. एक पोर होता है जो एपिडर्मस ऑफ लीव्स या स्टेम्स या दूसरे ऑर्गन्स में पाया जाता है जो रेट ऑफ गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है कि कौन सी गैस ने कितनी अमाउंट में आना है और कौन सी गैस ने कितनी अमाउंट में उनमें से गुजर जाना है. ठीक है, इनके इर्द गिर्द जो है स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं उनको गार्ड सेल्स बोलते हैं. उन गार्ड सेल्स ने रेगुलेशन करनी होती है कि स्टोमेटल ने जो स्टोमेटा है उन्होंने कितना खुलना है. ठीक है, ये एक पैटर्न होता है स्टोमेटा का. राइट, स्टोमेटा क्या हुए, एक वो पोर्स होते हैं एपिडर्मस ऑफ लीव्स, मतलब एपिडर्मस होती है अपर जो उसकी लेयर होती है. ठीक है, अपर और लोअर लेयर होती है पत्ते के अंदर की चीजों को उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है. ठीक, उसके दरमियान उसके नीचे बल्कि उसी में एपिडर्मस ऑफ लीव्स में ही पाए जाते हैं स्टोमेटा. स्टेम्स में भी पाए जाते हैं और लीव प्लांट के दूसरे ऑर्गन्स में भी, लेकिन बेसिकली ज्यादा लीव्स में पाए जाते हैं. किस चीज के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड ने कितनी बाहर निकलना है और ऑक्सीजन इन्होंने कितनी अंदर लेनी है. इनके इर्द गिर्द होते हैं गार्ड सेल्स. वो गार्ड क्या करते हैं, गार्ड नाम से पता लग रहा है, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे स्टोमेटा का कि इतने साइज में खुलना है और इतने साइज में नहीं खुलना. दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टोमेटल गैशियस एक्सचेंज. ठीक है, अब स्टोमेटल नंबर हम कैसे देखते हैं. द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर. ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा हम देखेंगे पर स्क्वायर मिलीमीटर, पर स्क्वायर मुरब्बा किलोमीटर मिलीमीटर पे देखते हैं. मुझे नहीं पता इसको उर्दू में किस तरह बोलेंगे. द एवरेज नंबर मैं आप लोगों को मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू. बाकी ये है कि आप एवरेज निकालोगे कि पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है. फुट के थ्रू भी आप निकाल लेते हो. ठीक है, उसमें मेयरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो, या माइक्रोस्कोपी आप के थ्रू आप जब चेक कर रहे होते हैं उसमें फिर निशान लगा लेते हैं कितने कहाँ से कहाँ तक आपने उसको देखा है, और फिर स्केल के थ्रू उसमें चेक कर लेते हैं जी स्क्वायर मिलीमीटर में कितने स्टोमेटा के नंबर आ रहे हैं. ठीक है, इट इज ऑफ लिटल वैल्यू इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन क्लोजली अलाइड स्पीशीज. थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो मिलती जुलती हों स्पीशीज उनमें स्टोमेटा को डिस्टिंग्विश करना, लेकिन फिर भी हम स्टोमेटल नंबर को माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं. अब स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है. द परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटल इंडेक्स. स्टोमेटल इंडेक्स मैंने अभी आपको बताया कि एपिडर्मस होता है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. अब एपिडर्मस में सिर्फ स्टोमेटल सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होते,
एपिडर्मिस में और भी सेल्स, दूसरे किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं, वो पैलिसिड सेल्स भी होते हैं, और भी डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। अब हमने उनमें से क्या निकालना है, हमने स्टोमेटा को निकालना है, ठीक है। तो उसको निकालने के प्रोसेस को स्टोमेटल इंडेक्स बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं, स्टोमेटा के क्या है जी, नंबर ऑफ परसेंटेज होती है स्टोमेटा के नंबर की इन अ सर्टेन एरिया टू द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड स्टोमेटा टुगेदर। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे नीचे ले लेंगे एपिडर्मल और स्टोमेटल सेल्स, क्योंकि ये दोनों है ना शामिल एक पत्ते में। एपिडर्मिस के अंदर जो है वो स्टोमेटा होते हैं। आपने इनको, ये लार्ज टर्मिनोलॉजी इसलिए डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या निकालना है, परसेंटेज किसकी निकालनी है, हमने स्टोमेटा कितने हैं वो निकालने हैं। तो स्टोमेटा न्यूमरेटर आ गया, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा स्टोमेटल इंडेक्स कि टोटल नंबर ऑफ स्टोमेटा इतने बचे, एपिडर्मल सेल्स और स्टोमेटा मिक्स में से इतने बचे, ठीक है। और स्टोमेटल इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। जो एक स्पीशी आपने दी गई होती है ना, फिर उसके जितने भी उस तरह के मेंबर्स होंगे उस स्पीशी में, वो सेम होगी तकरीबन सबके लिए, राइट। फिर आ जाता है लीफ मेजरमेंट। लीफ मेजरमेंट कैसे की जाती है, लीव्स आर मेजर्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच आर नॉट इजिली आइडेंटिफाइड बाय जनरल माइक्रोस्कोपी। लीव जो है वो मेजर किए जाते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में, ठीक है, जो इजिली जनरल माइक्रोस्कोपी से आइडेंटिफाई नहीं हो सकते जनरल माइक्रोस्कोपी से, तो फिर इसलिए उनको मेजर किया जाता है, राइट। अब ये देखें मेच्योर लीफ है, इसको कैसे मेजर करें, स्टेम के थ्रू इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, एपिडर्मिस कैसे इसकी लेयर है, इसकी पिथ कैसी है दरमियान वाली जगह, इसके डिफरेंट सेल्स को देखेंगे, ये इस तरह से इवेलुएट करते हैं हम लीफ मेजरमेंट्स को, ठीक। फिर आ जाते हैं वेन इनलेट आईलेट नंबर। व्हाट इज वेन आईलेट नंबर, आईलेट मैंने आपको बताया अभी, आईलेट क्या होता है, ये जैसे इस तरह के टिश्यूज हैं, ये वेन्स जा रही हैं, तो दूसरा जो सेक्शन होगा वो इससे डिफरेंट होगा, ठीक है, ये इस तरह की शेप का है, दूसरा एनाटॉमिकली किसी और शेप में जा रहा है। इन सारी चीजों को डिस्टिंग्विश, इन सारी वेन आईलेट को डिस्टिंग्विश करने का नाम वेन आईलेट नंबर है, कि कितने आईलेट नंबर्स हैं, किस तरह की वेन जो है वो एक पोर्शन दूसरी वेन पोर्शन से डिफरेंट है। द वर्ड वेन आईलेट इज यूज फॉर माइन्यूट एरिया ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू। एक फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है जहां फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, मतलब ऑक्सीजन बन रही है और एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन आप ले रहे होते हैं इसमें, सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी बन रही होती है, फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर हो रही होती है। बेसिकली जो फूड प्रिपेयर करने वाले टिश्यूज है ना, उनका एक छोटा सा एरिया होता है, उसको वेन आइलेट बोलते हैं, और वो इनसर्कल्ड किससे होता है, बाय अल्टीमेट डिवीजन ऑफ कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स। उनमें कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, कंडक्टिंग मीन कंडक्शन चल रही होती है, उसमें फूड भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, ये स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। द वेन आइलेट नंबर इज यूज फॉर माइन्यूट एरिया ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू। फोटोसिंथेटिक टिश्यू के माइन्यूट एरिया को बोलते हैं, एनसर्कल्ड बाय अल्टीमेट डिवीजन, उसमें बहुत सारी डिवीजन हुई होती है डिफरेंट स्ट्रैंड्स की। स्ट्रैंड्स कोई भी डंडे डंडे को वैसे कहते हैं, स्ट्रैंड्स होंगे कोई भी ये सहारा देने के लिए, ये स्ट्रैंड्स लाइंस वगैरह, ठीक है। इस माइन्यूट एरिया को वेन आइलेट बोलते हैं। वेन आइलेट नंबर क्या करता है, इज हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स। जो बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंस लाने के लिए, आपने हर प्लांट तो नहीं ना ले लेना अपनी ड्रग के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, तो इस तरह से भी अंदाजा लगाया जाता है, अच्छा इसके वेन आइलेट नंबर इस तरह हैं और इसके ऐसे हैं, तब हम देखते हैं आपको कौन सी ड्रग चाहिए। इसमें एग्जांपल क्या आती है, इसमें आती है कैसिया सेना, 14.9 से 29.4 होता है वेन आइलेट नंबर, ठीक है। सेना की अब दो स्पीशीज हैं विद वेन आइलेट नंबर, नंबर वन इज कैशिया सेना एंड नंबर टू इज कैशिया एंगस्टिफोलिया। अब इन है एक स्पीशीज की सेना की ही, लेकिन दो हैं तो दोनों की डिफरेंट होंगी। कैशिया सेना की 14.9 टू 29.4 है और कैशिया एंगस्टिफोलिया की 19.5 से 22.7, ये वेन आइलेट नंबर है, ठीक है। वेन आइलेट नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन आइलेट्स पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस, ठीक है। फिर आ जाता है पैलिसिड रेशो। पैलिसिड रेशो क्या होती है,
पैलेसेट क्या होता है, पहले तो हम ये पढ़ते हैं। ये एक लीफ है, ठीक है, ये इसका एपिडर्मस दिया हुआ है, मतलब उसकी लेयर है, एक लीफ की अपर लेयर भी होती है लोअर लेयर भी होती है, उनके दरमियान में सारा कंटेंट प्रेजेंट होता है पत्ते में। तो जो एपिडर्मिस के अंदर सेल्स होते हैं ना, उनको पैलेसिड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पैलेसिड रेशो होगी, इट इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलेसिड सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल्स। जो एपिडर्मल सेल्स के नीचे जितने भी सेल्स प्रेजेंट है ना, उन पैलेसिड कहते हैं, उनके एवरेज को निकालने को पैलेसिड रेशो बोलते हैं, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ पैलेसिड सेल्स बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल, मतलब हर एपिडर्मल सेल के जो नीचे पैलेसिड सेल प्रेजेंट है उनको आपने सर्च करना है। अब फॉर एग्जाम्पल, ये माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ एनालिसिस है जी, पैलेसिड रेशियो इज द एवरेज नंबर ऑफ पैलेसिड सेल्स अंडर वन एपिडर्मल सेल, इस तरह से होते हैं। फॉर ईच सैंपल ऑफ लीफ मेक नॉट फ्यूर देन 10 डिटर्मिनेशन एंड कैलकुलेट द एवरेज नंबर। अब पैलेसिड रेशियो इस तरह से एवरेज निकाली जाती है, ठीक है। पैलेसिड सेल जो है वो करते क्या है, ये फोटोसिंथेसिस को हेल्प आउट करते हैं, ठीक है, एफिशिएंटली उनमें उनको तेजी से काम करवाते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है अच्छे तरीके से काम कर सके प्रोसेस उनके अंदर, तो उसमें हेल्पफुल करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और वो हेल्पफुल किस वे में होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट अब्सॉर्ब यही करते हैं, ठीक है। पैलेसिड सेल्स लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, उसके थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जारी होता है और आपकी फूड प्रिपेयर होती है प्लांट में, ठीक है। इसमें ये है, आप 10 डिटर्मिनेशन ले लो जी, 10 नंबर ले लो एवरेज, उसमें से फिर पैलेसिड रेशो कैलकुलेट कर लो जी, इतने डिटर्मिनेशन है, हमने 10 सैंपल लिए हैं, उसमें से आपने पैलेसिड रेशो निकाल लेने, उनकी एवरेज निकाल लेनी है, तो आपके पास रेशो आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एट्रोपा बेलाटोना है, ठीक है, पैलेसिड रेशो एट्रोपा बेलाटोना की 6-10 है और डेटुरा सिट्रामोनियम की 4-7 होती है। नेक्स्ट इज वेन टर्मिनेशन नंबर। वेन टर्मिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीव सरफेस। द टर्मिनेशन वेन टर्मिनेशन इज द अल्टीमेट फ्री टर्मिनेशन ऑफ अ वेनलेट और अ ब्रांच ऑफ वेनलेट, ठीक है। टर्मिनेशन क्या होती है, वेन टर्मिनेशन यहां पे खत्म हो जाना। नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मीटर ऑफ लीव सरफेस मिडवे बिटवीन मिडरिब ऑफ लीफ एंड इट्स मार्जिन। ये देखें, ये खत्म हो गई है टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन जा रही है, ठीक है। ये मिड रिब है, ये मिड रिब है, इसका मार्जिन है, ये एंड हो गई, टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना ये वेन का। इसको आप जहां जहां पे ये हो रही होगी पर स्क्वायर मिलीमीटर के लेवल पे रख के हम इसको चेक कर लेंगे और रेशो निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एट्रोपा बेलाडोना में क्या, कितनी वैल्यू है एट्रोपा बेलाडोना में, 6.4 से लेकर 10.2 तक होती है। कैशियस सेना में 32.8 से 40.1 तक होती है। डेटुरा सिट्रामोनियम में 12.7 से 20.2 तक होती है। हायोसाइमस नेगर से 12.5 से 19.1 तक होती है। वेनलेट टर्मिनेशन नंबर, नंबर ऑफ वेनलेट्स टर्मिनेशंस पर स्क्वायर मीटर मिलीमीटर ऑफ लीव सरफेस मिडवे बिटवीन मिडरिब ऑफ लीफ एंड इट्स मार्जिन, इसको वेन टर्मिनेशन नंबर कहते हैं। हमारा चैप्टर एंड हो गया है, ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेल्युएशंस पढ़ी। आज हमारा लास्ट था माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में हम क्या क्या यूज करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टेंट होते हैं जो हमने काउंट करने होते हैं, उसके थ्रू हमारी एनाटॉमिकल या माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन हो जाती है। उसमें क्या आ जाते हैं, स्टोमेटल नंबर, हम स्टोमेटा को देखते हैं कितने स्क्वायर मिलीमीटर पर कितने स्टोमेटा प्रेजेंट है, फिर उसका इंडेक्स निकालते हैं, क्योंकि एपिडर्मल और स्टोमेटा इकट्ठे पड़े हुए हैं, उनमें से स्टोमेटा को हमने अलग देखना है कि स्पीशी में कितने स्टोमेटा है, इंडेक्स निकालते हैं और परसेंटेज निकाली जाती है, वो हमने पढ़ लिया। फिर लीफ मेजरमेंट किया जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन लिया जाता है स्टेम का, फिर उसको डिस्टिंग्विश किया जाता है क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स को। फिर पैलेसिड रेशो देखते हैं, पैलेसिड होते हैं सेल्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एपिडर्मल हर एपिडर्मल सेल के नीचे पैलेसिड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको इवेल्युएट करने का नाम पैलेसिड रेशो है,
वो भी डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट है। फिर स्टोमेटल इंडेक्स हमने पढ़ ली, देन इज वेन आइलेट नंबर। वेन जो है आइलेट किसके लिए यूज होता है, एक फोटोसिंथेटिक टिश्यू का एक छोटा सा एरिया होता है जिसके इर्द गिर्द जो है स्ट्रैंड कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स लगे हुए होते हैं, उनको निकालने को उनके नंबर को चेक करने को वेन आइलेट नंबर कहते हैं। वो भी डिफरेंट है, जैसे सेना है उसकी टू स्पीशीज हैं, कैशिया सेना और कैशिया एंगस्टिफोलिया, तो दोनों के डिफरेंट आएंगे। उन दोनों एक ही स्पीशी के दो मेंबर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग उनमें तफरीक लाने के लिए, पता लगाने के लिए कौन सा ड्रग कौन सा है उसको चेक करने के लिए वेन आइलेट नंबर इस्तेमाल होता है। फिर है हमने पढ़ा वेनलेट टर्मिनेशन नंबर। वेनलेट टर्मिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, जो वेन टर्मिनेशन होती है वो अल्टीमेट फ्री टर्मिनेशन होती है, बिल्कुल अलग हो जाती है एक वेनलेट की ब्रांच। उसकी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ ली, एट्रोपा बेलाडोना एंड कैशिया सेना डिटूरा सिट्रामोनियम एंड हायोसाइमस नेगर, इन सब की डिफरेंट वैल्यूज हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। इट वॉज क्वाइट ईजी, 5 थी इवेल्युएशन, नंबर 1 थी ऑर्गेनोलेप्टिक सेंसेस के थ्रू, नंबर 2 थी केमिकल, केमिकल टेस्ट किए जाते हैं उसमें, नंबर 3 वॉज फिजिकल इवेल्युएशन, उसमें हम फिजिकल सोल्युबिलिटी, विस्कोसिटी और कंजीलिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सारी चीजें देखते हैं। फिर हमने बायोलॉजिकल इवेल्युएशन पढ़ा, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम बायोलॉजिकल ऐसे यूज करते थे। फिर माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन और एनाटॉमिक इवेल्युएशन हमने देखी, जिसमें हम कुछ चीजें काउंट करते हैं, उनमें स्टोमेटल इंडेक्स था, स्टोमेटल परसेंटेज थी, एवरेज थी, वेन टर्मिनेशन नंबर, वेन आइलेट नंबर, पैलेसाइड रेशियो, लीफ मेजरमेंट्स एंड ऑल दैट। ठीक हो गया ना, ख्याल रखिएगा, अच्छे से चीजों को याद कीजिएगा, अपने ग्रैंड टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ने की तैयारी करें, कोशिश करें, और जनवरी में अच्छा टेस्ट दें। अल्लाह हाफिज़।